सोलन शहर में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। सोलन वासी पिछले 7 दिनों से प्यासे हैं, लेकिन नगर परिषद शहर में पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिसके चलते आज कांग्रेस सुर्ख नजर आई और नगर परिषद को पूरी तरह से फेल बताया और उसके दरवाजे पर ताला जड़ दिया। इस मौके पर आईपीएच मंत्री, शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जतिन साहनी ने आरोप लगाया है कि शिमला के बाद अब सोलन में पानी की भारी संकट आ चुका है, लेकिन अभी तक आईपीएच मंत्री और शहरी विकास मंत्री ने शहर की कोई सूत नहीं ली है। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा भाजपा पर जमकर बरसे और कहा कि भाजपा के राज में सोलन दूसरा जिला बन चुका है जहां पानी का भारी संकट आ चुका है। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की नाकामी बताया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार 7 दिनों के भीतर पानी की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो वो आईपीएच मंत्री, शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में नगर परिषद आईपीएच विभाग भाजपा सरकार के अधीन है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस विधायक से जल व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि अगर भाजपा से शहर में पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो वह अपने हाथ खड़े कर ले, वह शहर कांग्रेस सभी व्यवस्थाएं कर लेगी। हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा नगर सोलन है, वहां पर भरी बरसात में लोग प्यास से हैं और 7-7 दिन के बाद आज वहां पे लोगों के घरों में पानी आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ना होकर बिन जल पार्टी हो गई है। सोलन नगर परिषद की बात कर लें तो यहां पर इस समय 3 अध्यक्ष हैं, एक वर्तमान अध्यक्ष, एक पूर्व अध्यक्ष और एक सुपर अध्यक्ष आ गए हैं जो कि यहां पर कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे हैं। हाल यह है कि ना आईपीएच के मंत्री को पता है कि सोलन में क्या हो रहा है, ना ही अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को पता है सोलन में क्या हो रहा है, और तो और सोलन की जनता को भी पता नहीं लग रहा कि सोलन में इस समय हो क्या रहा है, क्योंकि ये लावारिस शहर बन गया है। भारतीय जनता पार्टी जब से यहां पर चुनाव हारी है, आगे लोग, आधे से ज्यादा लोग तो इनके मूर्छित हैं, जिन्हें यह पता नहीं लग रहा कि उनकी सरकार है, और हमें सरकार से मांग करनी है, वो हमारे विधायक से मांग कर रहे हैं कि जल की व्यवस्था को सुधारें। हम तो कहते हैं कि आप रिजाइन दो, सरकार रिजाइन दे, व्यवस्था को हम सुधार देंगे। अगर ये व्यवस्था 7 दिन के अंदर ठीक नहीं हुई तो हम आईपीएच मंत्री का घेराव करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का घेराव करेंगे, इनका तो आज हो ही गया, आईपीएच विभाग का घेराव करेंगे और किसी भी मंत्री का हम सोलन आने पे घेराव करेंगे।